हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर दिए और आज के लेक्चर्स में हम 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जो पहला एग्जांपल है वो रिलेटेड है 1-1 और 2 फंक्शन से, जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो रिलेटेड है काउंटेबिलिटी से, और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो रिलेटेड है ओपन एंड क्लोज सेट से। ठीक है, तो उसके कुछ रिजल्ट से रिलेटेड है, तो एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम किस क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर अलजेब्रा। तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने 3 लेक्चर में आज का लेक्चर मिला के हम काउंटेबिलिटी 1-1 और पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन R एंड R स्क्वायर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1-1 और 2 फंक्शन पे। जैसा कि आपको पता है कि 1-1 और 2 हम कब कहते हैं, अगर मैं काउंटेबिलिटी की बात करूं तो हम कहते हैं कि 2 सेट में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट अ 1-1 और 2 फंक्शन। और एक थ्योरम है, किसी भी फंक्शन को हम 1-1 और 2 तब कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन अगर एग्जिस्ट होगा तो एक नेम देते हैं उसको, कि हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन मेरा ए से लेकर बी का, ठीक है, ए टू बी अगर ये फंक्शन है और ये इनवर्स कब होगा, इसके एग्जिस्ट कब होगी, इफ f इज 1-1 और 2। ये तो कंडीशन हो गई कि अगर कोई भी फंक्शन a टू b है, अगर ये 1-1 और 2 है तो हम कहते हैं कि f इज अ इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट, और इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसके लिए थ्योरम होती है क्या, कि g f of x इज इक्वल टू x अगर ये एग्जिस्ट हो जाए, कि यानी कि हर पॉइंट पे कोई ऐसा एलिमेंट अप्लाई कर दूं कि फिर से वही एलिमेंट हो जाए, तो हम इस g को कहते हैं कि ये हमारे पास f इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि जब ये f f पे अप्लाई होगा तो ये x, बट ये कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1-1 और 1-2। यानी कि यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं और राइट कैंसिलेशन कर सकते हैं। वैसे एक डेफिनेशन भी है किसी फंक्शन को 1-1 के लिए, वो लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ गिवन है और उसका यूज करके हमें ये चेक करना है कि क्या फंक्शन 1-1 ऑन 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1-1 फंक्शन। मतलब वही फंक्शन है कि 1-1 ऑन 2 दोनों होगा, 1-1 है ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 है 1-1 नहीं, या दोनों नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक रिलेशन दे दिया एफ ऑफ, ये अगर सपोज हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट हो गया तो इसका मतलब ये एफ क्या है, एफ इसका इनवर्स हो गया, मतलब वो इटसेल्फ इनवर्स है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका इनवर्स फंक्शन भी फिर से क्या आता है, वही आइडेंटिटी फंक्शन आता है। यानी कि अगर मैं इसमें एफ इनवर्स अप्लाई करूं और सेम एफ को अप्लाई करूं फिर से, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास एक्स, और जब फिर से अप्लाई करूंगा तो फिर से क्या आने वाला एक्स, तो स्टिल ये जो एक्स है इसका इनवर्स क्या होता है, और एफ ही इसका इनवर्स है। यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो भी क्या आएगा वाई, तो इसका इनवर्स जो हम निकालते हैं इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं तो एक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं, इनवर्स ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन पे एक्स भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब नॉर्मल है। ये सिंपल रिजल्ट का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन 1-1 है नॉन टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में लिख जाते हैं, 3 क्वेश्चन जो भी होंगे वो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये काउंटेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, और काउंटेबिलिटी भी हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, बट अभी हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करें ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसके लिए हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं काउंटेबिलिटी, उसके बाद हम सीक्वेंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है
चार सेट दिए हैं, ठीक है, सपोज ए बी सी और डी। क्वेश्चन है कि कौन सा स्केल अनबाउंड है। पहले में दिया है वो सारे फंक्शन जो नेचुरल नंबर से वन टू लेते हैं। सेकेंड एक फंक्शन है जो वन टू से लेके नेचुरल नंबर लेता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है इसमें और एक कंडीशन लगा दी है, एफ ऑफ वन इज लेस देन एफ ऑफ टू। फोर्थ ऑप्शन कि वो सारे फंक्शन सच दैट जो एन से लेके वन टू तक जाए सच दैट एफ ऑफ वन इज लेस देन एफ ऑफ। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका सबसेट है और ये जो फंक्शन है इसका सबसेट है, ठीक है। अब हमें चेक करना है काउंटेबिलिटी के बारे में, इसमें से कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ध्यान समझना, कि किसी भी सेट के पास कितने नंबर ऑफ फंक्शन अगर डिफाइन करना है, कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, ये अगर हमें चेक करना है, सिंपल क्या कहें, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट टू रेस टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट एंड दैट इज अलिफ नॉट टू रेस टू अलिफ नॉट दैट इज सी। तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास काउंटेबल होता है, सिंपल रिजल्ट से द काउंटेबिलिटी ऑफ कोड में सेट रेस टू काउंटेबिलिटी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट, तो टू रेस टू अलिफ नॉट सी और सी इज द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। तो ये तो हो गया अनकाउंटेबल क्योंकि रियल नंबर अनकाउंटेबल। अब ध्यान से सुनना, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, वन टू से लेके एन तक इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एन अलिफ नॉट और अलिफ नॉट का स्क्वायर करेंगे तो अलिफ नॉट स्क्वायर, यानी कि अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट। और हमें कार्डिनल नंबर का अरिथमेटिक मीन भी ये कहता है कि जो लार्जर कार्डिनलिटी होगी वही उसकी कार्डिनल नंबर होगी, तो लार्जेस्ट कार्डिनल के दोनों एन अलिफ नॉट ही है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल हो गए, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो। अब इसी में ये सबसेट है, ये तो इसी का सबसेट है, उसके कंडीशन भी लगा दिए, अभी हम देखेंगे भी ये फंक्शन क्या कह रहा है, तो डायरेक्टली यहां से हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अब बात बचती है डी कि ये जो डी सेट है क्या ये काउंटेबल है, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने से। हमारे पास थ्योरम क्या होता है कि कोई अगर एक सेट है काउंटेबल सेट तो उसके सबसेट भी काउंटेबल होते हैं, कोई अनकाउंटेबल सेट है तो उसका सुपर सेट अनकाउंटेबल होगा, बट उसके सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर ये काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी अनकाउंटेबल होगा, बट ये काउंटेबल है तो इसका सबसेट भी काउंटेबल होगा, बट ये अनकाउंटेबल है इसके सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये काउंटेबल तो सबसेट काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल तो सबसेट मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। हमें चेक करना है, पहले हम ये रिस्ट्रिक्शन वाला केस देख लेते हैं कि एफ ऑफ वन इज लेस देन एफ ऑफ टू या एफ ऑफ वन इज लेस देन एफ ऑफ टू, ये कंडीशन है क्या। दो मैं डिफाइन कर दी, एक एन टू वन टू और एक टू टू वन है। एक सेट तो ये कह रहा है कि वन टू से लेके नेचुरल नंबर और यहां पे वन टू, और एक तो ये कह रहा है कि एक सेट ले लो वन टू और उसको मैप करा दो पूरे नेचुरल नंबर पे, वन टू थ्री से लेके ये हमारे पास नेचुरल नंबर और ये वन टू, ठीक है। और इसके बीच में मैप डिफाइन कर दो। अब थोड़ा ध्यान से बताना, कंडीशन ये है कि एफ ऑफ वन की वैल्यू लेस देन एफ ऑफ टू होगी, मतलब एफ का जो भी इमेज होगा वो टू से छोटा होना चाहिए। और यहां पर यही कह रहे हैं, अब थोड़ा पहले ये वाला केस देखते हैं, वन को चाहे जो भी सिलेक्ट कर दो तो टू को उससे बड़ा सिलेक्ट कर दो। अगर वन को वन सिलेक्ट कर दो टू के पास कितने ऑप्शन है अलिफ नॉट, वन को टू सिलेक्ट करो टू के पास कितने अलिफ नॉट है, यानी कि हर एक एलिमेंट को किसी भी मैप करने पे टू के पास कितने ऑप्शन है अलिफ नॉट, यानी इसके पास भी अलिफ नॉट ऑप्शन है, इसके पास भी अलिफ नॉट ऑप्शन है, तो अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट अलिफ नॉट, इसीलिए सबसेट वाला कंडीशन भी काउंटेबल आ गया, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है, ये हमारा काउंटेबल है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है इस क्वेश्चन में,
क्योंकि अगर मैं इन जनरल बोलू डे टू डे इसको अनबाउंडेड, यानी कि ये जो फंक्शन है ये अनबाउंडेड है, बट इस केस में अगर मैं रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करूं कि f ऑफ 1 की वैल्यू लेस देन f ऑफ 2, यानी कि 1 हमेशा 1 का इमेज 2 के इमेज से छोटा होना चाहिए, अब ना जी मैं इसको केस 1 केस 2 करके कर देता हूं, ठीक है, केस 1 केस 2। एक केस में मैं f ऑफ 2 को 1 पे भेज दे रहा हूं, एक केस में f ऑफ 2 को 2 पे भेज दे रहा हूं। इसके पास कितने नंबर का एलिमेंट है? अलग नंबर 1 2 3 4 5। अब अगर मैं f ऑफ 2 को 1 पे मैप करा दूं तो इसके पास कितने ऑप्शन है? इसके पास तो एक ही ऑप्शन है, वो है 2। तो मैं 1 को सिर्फ 1 पे मैप करा सकता हूं, 2 तो ऑलरेडी मिक्स है, इसके पास भी 1 चॉइसेस है, बट 3 से लेकर 10 तक बाकी हर एक के पास कितने चॉइसेस है? 2 2। ऐसे कितने टाइम होंगे? 2 2 अलग नॉट, तो यानी 2 अलग नॉट। अब एक ही केस में ही अलग नॉट आ गया, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। अब अगर केस नंबर सेकेंड मैं 2 को अगर 2 पे मैप करा दू तो 1 2 3 ऐसे चलते जा रहे, 1 के पास कितने चॉइसेस? 2, क्योंकि अब ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। 2 के पास एक सिंगल चॉइस है 1, इसके पास कितने चॉइसेस है? 2, इसके पास भी कितने? 2, क्योंकि इस पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना, कंडीशन तो 1 और 2 पे, बाकी सब पे तो कोई कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब हर एक के पास कितने चॉइसेस आएंगे? 2 2 2। कितने टाइम्स? अलग नॉट टाइम, यानी कि इसकी भी क्वांटिटी कितनी होगी? 2 अलग नॉट, और इन दोनों का यूनियन देने पर दिया जाए मतलब एक भी अनकाउंटेबल आ गया तो ये कैसा हो जाएगा? यानी कि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि स्टिल फंक्शन क्या है? जो अनकाउंटेबल है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा अनकाउंटेबल है, जबकि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन काउंटेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, एक्चुअली नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लोज सेट ले लो रियल नंबर, रियल नंबर का एक क्लोज सेट ले लो, एक सबसेट ले लो बी अ क्लोज सेट, रियल नंबर का एक सबसेट ले लो जो कि क्लोज है, क्लोज क्लोज। अब आर का सबसेट ले लो तो क्लोज सबसेट ही होगा, ठीक है, लेट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर बी अ क्लोज, A is non-empty, A is not is equal to R, यानी कि एक ऐसा फंक्शन ले लो जो क्लोज हो, नॉन ट्रिगर हो, नॉन पर प्रॉपर नॉन ट्रिगर सबसेट, एक प्रॉपर नॉन ट्रिगर क्लोज सबसेट ले लो। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि जो A होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसकी इंटीरियर का क्लोजर ले लो, क्लोजर ऑफ दैट इंटीरियर, इसके इंटीरियर का क्लोजर की कौन हो जाएगा? सेकेंड कह रहा है कि एक काउंटेबल हो जाएगा, थर्ड कह रहा है कि जो ए है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और फोर्थ कह रहा है कि ए जो है वो नॉट होगा। एक तो सबसे बेस्ट टेक्निक होता है रियल एनालिसिस के अंदर कि आप काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट कर दो। ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन है, ये सपोज हमारे पास गिवन है, तो क्या क्या इंप्लाई कर रहा है? अगर ट्रू है तो हम देखें ये इंप्लाई कर रहा है राइट, ये इंप्लाई कर रहा है राइट, ये इंप्लाई कर रहा है राइट, ये इंप्लाई कर रहा है। अगर इंप्लाई होता है तो जो भी गिवन कंडीशन है, अगर नहीं हो रहा है तो काउंटर एग्जाम्पल दे दो, या तो रियल यूज करके बोल दो कि इसमें कौन सा होगा, या तो फिर अब काउंटर एग्जाम्पल दे दो। अब अगर मुझे इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देना है तो एक ऐसा सिर्फ ढूंढ के देखा होगा जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बट इट डजंट इंप्लाई दिस। एक सेट ले लेता हूं, कोई भी क्लोज सेट ले लेता हूं, फाइनाइट सेट, ठीक है, क्लोज सेट है, एम्प्टी भी नहीं है, नॉन एम्प्टी, नॉट रियल नंबर मतलब प्रॉपर एंड नॉन ट्रिवियल सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्लोज भी है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका इंटीरियर क्या होगा? एम्प्टी से, क्लोजर ले लेंगे इंटीरियर का तो भी एम्प्टी से, एम्प्टी सेट इज नॉट इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सबसेट है, तो देयरफोर फर्स्ट ऑप्शन होगा।
बाय गिविंग अ कॉन्क्रीट एग्जांपल। सेकंड इज कह रहा है ए काउंटेबल होगा, ये जो मैं फाइनाइट सेट ले रहा हूं ए को नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जब टू सेट एम्प्टी भी नहीं है ठीक है, रियल नंबर भी नहीं है और क्लोज भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यही कह कोई भी क्लोज इंटरवल ले लो, क्लोज सेट बोले ना, ये भी क्या है नॉन ट्रिवियल है, प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का, तो ये कैसा क्लोज सेट है, इसके पास कितने पॉइंट है अनकाउंटेबल, ये कह रहा है काउंटेबल, तो ये भी ऑप्शन है। ये कह रहा है कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन याद करो, कॉम्पैक्ट क्या कह रहा था कि क्लोज होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, बाय मीन मोरल थ्योरम कि कोई भी सेट को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। ये कह रहा है कि कॉम्पैक्ट हो जाएगा क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए। एक काम कर रहा हूं नेचुरल नंबर दे दो, इंटीजर दे दो, क्लोज सेट है ठीक है, एम्प्टी भी नहीं है, रियल नंबर भी नहीं है, क्लोज सेट है बट कॉम्पैक्ट नहीं है, रीजन ये कि ये क्लोज सेट है बट स्टिल इट इज नॉट अ बाउंडेड। अब बताइए अगर सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो चाहिए एमएसटी का क्वेश्चन हो या फिर जो सिंगल चॉइस का क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट ये आंसर ना राइट है, दैट इज नॉट राइट। अब सुनो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहता है कि कोई भी सेट रियल नंबर का कोई भी एक सेट उठा लो या किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का कोई एक सेट उठा लो, इन अ मैट्रिक्स स्पेस लेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, काम करता मैं लिख के देता हूं और ये आपको पता भी होगा बीएससी का रिजल्ट है, टीवाई में आप पढ़ते हो बहुत ही सिंपल रिजल्ट है कि कोई भी सेट तभी भी ओपन हो साथ में नहीं हो सकता, लेट ए अगर सबसेट है रियल नंबर का, ए इज ओपन एंड क्लोज, देन आइदर ए इज इक्वल टू एम्प्टी और ए इज इक्वल टू, अगर ये सपोज कोई तीन जनरल मैट्रिक्स स्पेसिफाइड हो, लेट एक्स इज अ मैट्रिक्स स्पेस विद सम डिस्टेंस मैट्रिक डी, देन ए अब रियल नंबर मैट्रिक्स स्पेस है क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं यूजुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ नॉट एक्स माइनस वाई ठीक है, तो ए ओपन और क्लोज है इसका मतलब या तो ए एम्प्टी होगा या तो ए खुद एक्स होगा यानी कि रियल नंबर। अब उसने ये कह दिया कि वो एम्प्टी भी नहीं रियल नंबर भी नहीं, मतलब ऐसा सेट तो हो ही नहीं सकता जो क्लोज और ओपन दोनों साथ में हो, अगर क्लोज दे दे ओपन नहीं होगा, अगर ओपन दे दे तो क्लोज नहीं होगा, अब उसने क्लोज दे दिया तो इसका मतलब वो ओपन नहीं हो सकता, तो सिंपल इस रिजल्ट का अगर हमें ये रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट हम एग्जाम में टिक करके आ सकते हैं, और अगर हमें एग्जाम में कुछ रिजल्ट नहीं पता है फिर भी काउंटर एग्जाम्पल इतना बेस्ट अप्रोच है कि काउंटर एग्जाम्पल देके हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके बाकी सारे ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है आज का वीडियो यही एंड करते हैं, तीन एग्जांपल लिए, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है तो आज का वीडियो मैंने स्मॉली बनाया है, तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा के दो वीडियो होंगे, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स के लेंगे फिर अप्लाइड के, फिर उसके बाद रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ पॉइंट सेट टोपोलॉजी के और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा का हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर, थैंक यू वेरी मच।